जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। तो आपको पता है आज कल की छुट्टी के बाद फिर से पटवारी का पेपर आज स्टार्ट हुआ है। उसके बाद एक कटिंग आप देख रहे हो, दो दिन से बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, जो कि मुरैना के अंदर एक जो है कि फर्जी तो थंबनेल के द्वारा यहाँ पर बच्चों को एंट्री दी गई और उन्होंने पेपर दिया। फिलहाल वो वहाँ पर पकड़ा गए हैं, जो भी दो तीन लोगों को बता रहे हैं। तो कुछ पेपरों में ऐसा, मतलब कुछ शिफ्ट में ऐसा देखने को मिला है कि हाँ फर्जीवाड़ा देखने को मिल रहा है। बाकी इससे जैसे आपको बोला गया कि 15 लाख रुपए दो और पटवारी की सीट लो, ऐसा बहुत ज्यादा अभी आप देखेंगे तो काफी ज्यादा वीडियोस के ऊपर बन रहे हैं। फिलहाल फिर भी एक बात मैं बोलना चाहूंगा, जिनको अच्छे नंबर है उनका सिलेक्शन होना तय है। ऐसा हर बार हर एग्जाम में ऐसा होता है, आपने देखा होगा, तो पेपर लीक हो जाता है या कोई कुछ भी होता है। जैसा अभी फिंगरप्रिंट का बता रहे, फिंगरप्रिंट चेंज करके उन्होंने एग्जाम के अंदर एंट्री ली है, तो वो लोग वहां पर पकड़ा गए और पुलिस के अभी कस्टडी में है। तो आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं, आपका जिनका पेपर है आप कंटिन्यू प्रिपरेशन रखिए, आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपके अच्छे नंबर है तो 100% आपने देखा होगा हर एग्जाम के अंदर जो अच्छे नंबर लेकर आता है उसका सिलेक्शन भी 100% होता है। कल मैंने वीडियो डाला था और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, आपने उसके अंदर कमेंट किया, अपने नंबर बताए, तो उसी के ऊपर अभी वर्क जारी है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो एक रेशियो है 120 से लेकर 135 130 के आसपास बहुत ज्यादा स्टूडेंट को नंबर है। अगर वोट का भी अगर देखें, कम्युनिटी पर वोटिंग भी हमने करवाया था, तो लगभग लगभग 50 से ज्यादा परसेंट बच्चे ऐसे हैं जिनको 130 के आसपास नंबर है। अब मेन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर ये आ रही है, आपका जो बच्चे हैं नंबर अच्छे हैं काफी, गर्ल्स को हमने देखा, गर्ल्स को कैटेगरी वाइज नंबर अच्छे हैं, पर फिर भी एक चीज और है थोड़ी सी यहाँ पर, क्योंकि आपको पता है व्यापम की हर एग्जाम के अंदर नॉर्मलाइजेशन होता है। अब नॉर्मलाइजेशन का ऐसा है कि ऐसे नॉर्मली नॉर्मलाइजेशन जो होता है वो 4 से 5 नंबर के बीच में होता है। बाकी फिलहाल जैसे कल एक बच्चे ने कमेंट किया, सर 15 से 20 नंबर का, तो ऐसा दो वहां पर मुमकिन नहीं कि इतने नंबर का जो है नॉर्मलाइजेशन आपका होगा। तो आप फिलहाल जिनको अच्छे नंबर है बहुत अच्छी बात है, फिर भी आप आगे की एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करें। काफी एग्जाम है अभी आगे, MPSI MP पुलिस आने वाली है, फॉरेस्ट गार्ड है, आपका जेल प्रहरी, काफी ज्यादा एग्जाम आपकी इस 2023 के अंदर होने वाली है। तो आपका अगर नंबर अच्छे भी है तो आपको कंटिन्यू प्रिपरेशन करना है। आपके नंबर कम है तो भी आपको और ज्यादा लगकर मेहनत करना है, ताकि 2023 के अंदर आपका जो भी जॉब लेने का सपना है वो साकार हो। फिलहाल अभी जो भी आपने नंबर बताए हैं और भी जो भी डेटा भी इकट्ठा हुआ, तो बहुत जल्द आपके लिए कट ऑफ का वीडियो और नॉर्मलाइजेशन में कितने नंबर आपके बढ़ सकते हैं कितने कम हो सकते हैं, फिलहाल तो भी देखो इतना ही होता है। बाकी अभी MP पुलिस के अंदर भी नॉर्मलाइजेशन थोड़ा सा ज्यादा हुआ, 10 से 12 नंबर तक घटना और बढ़ना वहां पर हो गया था स्टूडेंट के साथ में। तो श्योर अभी फिलहाल किसी को भी आप नहीं बोल सकते, इसके ज्यादा है उसके कम हो सकते हैं, जिसके कम है उसके ज्यादा हो सकते हैं। तो फिलहाल जिनके पेपर बचे हुए हैं आप अच्छे से प्रिपरेशन करिए, और आज भी जो पेपर है मॉडरेट ही पेपर है, लेवल जो आपका आ रहा है कंटिन्यू वही लेवल है। सिर्फ और सिर्फ आपको जो है प्रिपरेशन करना है मैथ्स और रीजनिंग पर, आपको ज्यादा फोकस करना है। MP से आज कोई क्वेश्चन नहीं था, करंट से आपको कोई क्वेश्चन नहीं था, मैनेजमेंट के 8 से 10 क्वेश्चन थे, हिंदी बहुत ईजी आ रही है, कंप्यूटर बहुत ईजी आ रहा है। तो मेन अगर बोला जाए तो मैथ्स और रीजनिंग का बहुत ज्यादा वेटेज और बहुत ज्यादा आपको अच्छा स्कोर करने में हेल्प करने वाले हैं मैथ्स रीजनिंग। तो कंटिन्यू आप प्रिपरेशन करते रहिए। जो भी जितने भी स्टूडेंट ये वीडियो देखते हैं, आप सिर्फ अपना नंबर और आपका कैटेगरी जरूर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ताकि एक डाटा अगर इकट्ठा होगा तो और भी आसानी होगी आपके लिए, बहुत अच्छा यहाँ पर कट ऑफ निकालने के लिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।